राजनीतिक के से हट के आप सड़क पे चल नहीं सकते हैं, एक किलो चीनी नहीं खरीद सकते हैं, आपकी हर समस्या का हल राजनीतिक तरीके से है, तो हम राजनीतिक करने के लिए मजबूर हैं और हम करेंगे राजनीतिक। होमगार्ड का जो भर्ती हुआ है इतना दिन हो गया, उसका नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, और जो होमगार्ड की बहाली हुई है उसको भी नियुक्ति कराया जाए। 12 साल से सरकार सोई है, अपने तो साले कुर्सी पे बैठ रहे हैं, ये लोग मर रहा है लोग। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है वीर चंद्र पथ पर मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं होमगार्ड के जो जवान हैं वो तमाम लोग यहाँ पे बैनर तले जो है आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग जो होमगार्ड से जो ताल्लुक रखते हैं वो तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ ही साथ आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे प्रशासन की भी मुस्तैदी हो गई है। ऐसे में हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे लोगों की, आखिरकार ये लोग जो है आखिरकार क्या चाह रहे हैं, इनकी मांगे क्या है, तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। और एक तरफ आप दूसरी तरफ देख लीजिए कि गाड़ियों की जो लंबी कतारें हैं वो लग चुकी है और प्रशासन जो है लगातार प्रयास कर रही है कि ये लोग जो रोक के रखे हैं इन चीज़ों को यहाँ से हटाया जाए और ये जो रास्ता है वो सुचारू रंग से जो है चालू हो जाए। ऐसे में हम लोग सीधी बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या आप लोग चाह रहे हैं? तीन मांगे हैं मुख्य। नंबर एक, 2011 में जो होमगार्ड में स्त्री और पुरुष की बहाली हुई थी आज तक उनको नियुक्त नहीं किया गया है। सबसे पहला मांग ये है, सरकार नौजवान विरोधी सरकार है, उनकी उम्र अब निकलती जा रही है, 40 के बाद निकल बहुत सारे लोगों की अभी तक बची हुई है, लेकिन उनको पूर्ण तरीके से बिना किसी विलंब के उन लोगों को बहाल किया जाए ताकि अपने बाल बच्चों का, अपनी पढ़ाई का वो सही तरीके से लाभ उठा सके। दूसरा मांग यह है कि देश में तकरीबन 6.5 लाख एकड़ भूमि भूदान की ज़मीन है, इस पर किन लोगों का कब्जा है? आज तक भूमिहीन लोग भूमिहीन है आज़ादी के बाद से, उस पर पूंजीपतियों का कब्जा है। आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग बैनर समाजवाद ये जो आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा बैनर तले जो है आप लोग मांग कर रहे हैं, आप लोग होमगार्ड के तरफ से हैं या मतलब और मुद्दे आप लोगों के? देश की समस्या भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की समस्या है। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी देश के युवाओं के साथ है, महिलाओं के साथ है, बड़ों और बच्चों के साथ है, देश के जनता के साथ में, देश में जिसके साथ भी जो समस्या उत्पन्न होती है उन तमाम समस्या अभी को किनके साथ खड़े हैं? अभी किनके साथ खड़े हैं? देश के नौजवानों के साथ हम लोग खड़े हैं जिनके साथ में 14 साल से तकरीबन नाइंसाफी हो रही है, आज उनके साथ में हम खड़े हैं। आप उनके साथ खड़े हैं? देश के भूमिहीन लोगों के साथ में खड़े हैं कि उनके आवाज को उठाने का हम लोगों ने काम किया है कि 5-5 डिसमिल जमीन हर एक भूमिहीन को मिले। ये तो राजनीति वाली पूरी प्रोपेगेंडा आप लोग अपना रहे। राजनीति के बगैर तो का समर्थन करने आए हैं आप लोग, आप फिर भूमिहीन पे आ जा रहे हैं? नहीं नहीं, सुन लीजिए जनाब, अगर ये राजनीतिक गलत है तो आप जो मेरे सामने में माइक लगाए हुए हैं आपका, तो ये माइक लगाना भी राजनीतिक का एक हिस्सा है। राजनीतिक के से हट के आप सड़क पे चल नहीं सकते हैं, एक किलो चीनी नहीं खरीद सकते हैं, आपकी हर समस्या का हल राजनीतिक तरीके से है, तो हम राजनीतिक करने के लिए मजबूर हैं और हम करेंगे राजनीतिक। किसके लिए राजनीतिक कर रहे हैं? अपने देश के नौजवानों के लिए कर रहे हैं, बच्चों और महिलाओं के लिए कर रहे हैं, जहां पर चलते हुए महिलाओं का बलात्कार हो जाता है, चलते हुए बूढ़ों को मार दिया जाता है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, किसी की झोपड़ी जला दी जाती है, इस वजह से कि वो दलित समाज का है। वो समस्याएं हमारी समस्या है, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं, देश की हर एक जनता की समस्या है। चाचा कहाँ से आए चाचा? हम खगड़िया जिला से आए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों? हमारे मांग ये है, बिहार सरकार जो चिट्ठी देता है डीएम को, बिहार सरकार उसको तो खुद को इतना समझना चाहिए, पदाधिकारी और सरकार को भी, सीएम और डीएम को कहना एक कर्मचारी नहीं मानता है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे सरकार को। क्यों कि चिट्ठी देता है 2018 से अभी तक 2023 में भी चिट्ठी दिया, जिसका चिट्ठी संख्या है 623-4-5-2023। सभी जिला में सभी गिरी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। हम आपसे, हमारे मीडिया प्रभारी आपसे थोड़ा आग्रह है, क्या सरकार के ज़मीनें क्या महानगरे में है, क्या पंचायत में नहीं है? ऐसा सरकार को शर्म आना चाहिए, पंचायत में भी सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहिए। और गैर मजरुआ खास संपर्क इतमादी खगड़िया जिला से। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारा मांग यही है, सरकार ने जो चिट्ठी दिया है गरीब दलित महादलित को बसाने के लिए, उसको पर्चा देना चाहिए पूरे बिहार में, क्योंकि सब गरीब आदमी बसे हुए इतमा खगड़िया जिला में,
और जहाँ तक है, है? नहीं रुकिए ना, हम बोलते हैं भैया। तो देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से ये मांगे हैं, इन लोग जो है कभी भूमि पे जा रहे हैं, कभी मुख्य रूप से जो होमगार्ड की जो बहाली हुई थी उन चीज़ों को लेकर, वो और भी तमाम चीज़ों को लेकर जो पार्टी समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी है उनके बैनर तले जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पे प्रशासन भी आ चुकी है और लगातार जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो तमाम लोग जो है प्रशासन से भी जो है उलझने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो डटे हुए हैं और तमाम चीज़ों को लेकर जो है अपनी बातों को मनवाने के लिए जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। और भी कुछ लोगों से जो हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। जिस तरीके से होमगार्ड का जो मुद्दा है अभी जो है ज्वलनशील मुद्दा बन चुका है, ऐसे में होमगार्ड के समर्थन के लिए जो है आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है तमाम लोग वो सड़कों पर उतरे हैं और सीधी बातचीत कर रहे हैं कुछ लोगों से कि आखिरकार इन लोगों की मांगे क्या है। क्या मांगे आपकी? मांगे निश्चित पर जमीन के बारे में, कागजों के बारे में है। आप बोल रहे हो होमगार्ड के लिए, तो जमीन कहाँ से आ गई? होमगार्ड वाला है ना, हम कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस मुद्दे को लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं जमीन सर्वे के लिए, होमगार्ड के लिए सर्वे के लिए, होमगार्ड के लिए। जमीन का सर्वे तो अभी रुका है ना। होमगार्ड का जो भर्ती हुआ है इतना दिन हो गया, उसका नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। भैया होमगार्ड के लिए बात कर रहे हैं, जमीन का बात? हाँ, जमीन हर एक व्यक्ति को, गरीब जो गरीब लोग हैं भूमिहीन बसे हुए हैं रोड के किनारे, उसका घर उजड़ा जा रहा है, हर एक व्यक्ति को 5-5 डिसमिल जमीन मुहैया कराया जाए, तब उसके बाद अरे दो हम लोग का मुख्य मांग है ये भी। देख नहीं रहे हैं, पत्रकारी कर रहे हैं, बोर्ड पे लिखा है ना, देख रहे हैं ना कि जमीन मुहैया कराया जाए और होमगार्ड का बहाली कराया जाए, नियुक्ति कराया जाए। आप पत्रकार हैं, देख रहे हैं ना, देख करके आप कीजिए। बक्सर से आए हैं? हाँ हाँ, हाँ जमीन जो नहीं मिल रहा, जो SC ST समाज के भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन नियुक्ति कराया जाए और जो होमगार्ड की बहाली हुई है उसको भी नियुक्ति कराया जाए। 12 साल से सरकार सोई है, अपने तो साले कुर्सी पे बैठ रहे हैं, ये लोग मर रहा है, लोग खाने को कहाँ से आएगा। ये तो नीतीश कुमार घबरा लग रहा है, लग रहा है कि जो है कि कुछ मिलेगा आश्वासन। हम लोग क्या बोल रहे भैया? बोल रहे हैं कि 2025 बहुत नज़दीक है, नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि सुन ले, नहीं तो 2025 में ऐसा सफाई करेंगे कि बिहार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। दलितों को वोट लेकर आ दलितों पर रंजित कर रहे हैं, 2025 में ऐसा सफाई करेंगे ना कि फिर बिहार में कभी सत्ता नहीं बन सकती है नीतीश कुमार जी का। तो देख सकते हैं जो युवा हैं उनकी भी मांगे हैं कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पे देखिए धरना, शांतिपुर धरना, लेकिन यहाँ पे लगातार जो है सड़कों को जाम कर दिया गया है और आगे चलकर जो है बैनर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार इनकी जो मांगे हैं उन चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार देखिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड विज्ञापन संख्या 2 तिथि जो है 2011 को इनको निकाला गया था, उसके बाद जो है दूसरी मांगे हैं जमीन सर्वे को लेकर लोग रोक लगाई जाए, तमाम चीज़ों को लेकर जो है आजाद समाज पार्टी के बैनर तले जो है आज ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का मांग है कि जो होमगार्ड की जो बहाली है उन चीज़ों को जो है प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए और जो जमीन सर्वे जो कि सरकार की तरफ से की जा रही है उन पर जो है अभी जो वर्तमान समय में जो है उस पर रोक लगा दी जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है आजाद समाज पार्टी के द्वारा ये विरोध जो है अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि अभी आप लोगों को पता ही है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और बिहार में जो है उपचुनाव होना है, ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके का विरोध प्रदर्शन समाज राजनीतिक पार्टियों के लिए जो है एक कहीं ना कहीं एक प्रभाव डाल सकता है। तो कहीं ना कहीं किन चीज़ों को लेकर आप लोग खड़े हैं? हम होमगार्ड के लिए ज्वाइनिंग के लिए हम लोग खड़े हैं, 2011 के लेकर विज्ञापन है, इसीलिए हम लोग खड़े हैं, आरा प्रखंड से हैं हम लोग। तो देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी सड़क पे ना आए और शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपने कामों को करें, विरोध करना आपका अधिकार है लेकिन जो सड़कें हैं उनको बाधित ना करें। इन चीज़ों को लेकर भी प्रशासन लगातार काम कर रही है लेकिन आप देख सकते हैं कि समाज पार्टी के जो लोग हैं उनको जो है लगातार जो है समझाना अभी पुलिस प्रशासन को मुशक्कतें करनी पड़ रही है। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा 24 पर। We'll be right back.